हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक किया था भी फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो हम फोर्स के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो करंट करंट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो वो फोर्स क्रिएट करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है अगर वो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो क्या वो टोर्क प्रोड्यूस करेगा या नहीं। तो अभी तो हम करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे थे, यानी सिंगल एक डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसकी बात कर रहे थे। अब हम यहां पे लेंगे एक कोयल, COIL कोयल, ठीक है। यानी ये या हमारे पास कोई कंडक्टर है, इस पे वाउंड कर दी, यहां पे हमने कोई वायर वाउंड कर दी, ठीक है। तो वो बन गई कोयल। यहां पे करंट अपवार्ड इस साइड में जा रहा है, ये भी अपवार्ड डायरेक्शन में भी डाउनवार्ड में भी डायरेक्शन जा रहा है, तो वो बन जाता है मेटेरियल एक कोयल, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा टॉर्क ड्यू टू ए करंट कैरिंग कोयल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाई ए करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल रखी है तो वो कितना टॉर्क प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो वो टॉर्क की हम कैलकुलेशन यहां पे करेंगे। तो वो कॉइल जो है वो कैसी भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्क्वेयर भी हो सकती है, कोई भी शेप की हो सकती है। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, सहूलियत के लिए उसको मान लेते हैं एक स्क्वेयर रेक्टेंगल कॉइल। तो ये मान लो कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहां मान लो कोई करंट का सोर्स, यहां पे करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन, ऐसे करंट आ रहा है, ठीक है। अभी टर्न हो रही है ये कोयल जो ली थी मैंने, ये अपने एक्सिस पे ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये इसका एक्सिस बना दिया मैंने। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। कोयल का नाम ले दिया मैंने पी क्यू आर एस। ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए मैं यहां पे मैग्नेट लगा दिया। सिंपल बार मैग्नेट भी हो सकते हैं, स्ट्रोंग मैग्नेट भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकते हैं, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। तो ये मैंने एक सिंपल थोड़ा हमने ऐसे इस हिसाब से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनाई, ये मैग्नेटिक इस तरह से रखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस डायरेक्शन में हो जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो यहां पे हम लिख देंगे कि P Q R S ये रेक्टेंगुलर कोयल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन वगैरह ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ओके, अब यहां पे चेक करेंगे हम सबसे पहले फोर्स। तो देखो अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये यूज करेंगे हम। इस लेंथ को ले लो एल और ये वाली इसको ले लो विड्थ को डब्लू, ठीक, ये हो गया। ओके, तो सबसे पहले फोर्स इस पी क्यू इस ब्रांच में कैसा फोर्स लग रहा है। तो यहां पे करंट करंट किस साइड फ्लो हो रहा है, अपवार्ड
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस साइड है? इस डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस साइड, तो ये बनाया, तो यहाँ पे थंब किस साइड है? इन साइड, तो यहाँ पे हम जो फोर्स है एफ पी क्यू, ये हो गया इन साइड, यहाँ पे लिख देंगे एफ पी क्यू, कितना होगा वो डायरेक्शन इनवर्ड, कितना होगा वो फोर्स की वैल्यू कितनी निकलती है? आई एल बी, तो ये करंट, ठीक है, आई एल एल ही है बी की, क्या दे रखा है डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड, ओके। सेकंड एफ क्यू आर, उसमें क्या होगा? करंट अपवर्ड, तो करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ये, तो ये किस साइड हो जाएगा? ये मान लो इसका ऐसा प्लेन है, ऐसा प्लेन है, तो वहां पे तो जीरो होगा इन दोनों के बीच में एंगल, ठीक है, तो प्लेन को हमने थोड़ा सा इस करंट को ऐसे ले लिया, तो ये फोर्स किस साइड हो जाएगा? इस पॉइंट पे किस साइड होगा? डाउनवर्ड, ठीक है, तो आई एल, यहाँ पे लेंथ कितनी होगी? डब्ल्यू, डायरेक्शन डाउनवर्ड, ओके। एफ आर एस, वही आई एल बी आई डब्ल्यू बी हो गई, यहाँ पे टोटल वो डिस्टेंस है डब्ल्यू, यहाँ पे क्या होगा? करंट डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये, तो ये क्या है? फोर्स आउटवर्ड, यहाँ पे डाउनवर्ड, यहाँ पे आउटवर्ड, एफ आर एस, डाउनवर्ड ये, एफ क्यू आर, डायरेक्शन आउटवर्ड, ओके। थर्ड फोर्थ एफ एस पी, ओके। इस पे देखो करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, करंट इस साइड, तो ये किस साइड जा रहा है? थंब अपवर्ड, तो एफ एस पी क्या हो जाएगा? अपवर्ड, आई एल डब्ल्यू डायरेक्शन अपवर्ड, तो ये हमने लगा लिए चार तरह के फोर्स, आई एल बी आई डब्ल्यू बी। ये तो हो गए हमारे फोर्स। अब हम क्या देखते हैं? देखो ये जो पी के हुए इनवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड और ये आउटवर्ड, तो जो एफ क्यू आर एंड एफ एस पी आर अपोजिट टू ईच अदर, सो दे कैंसिल आउट, तो चार फोर्स लगे थे फोर्स, तो दो तो कैंसिल आउट हो गए, एक अपवर्ड लग रहा है एक डाउनवर्ड, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, तो आपस में ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बात करते हैं एफ पी के और एफ आर एस के बीच में, ठीक है, तो ये जो हमारी कोयल थी, इस पे एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड, ये कैंसिल आउट, एक लग रहा है इनवर्ड और एक लग रहा है आउटवर्ड, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है, एक में से। अब ये फोर्स क्या करेंगे? ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे, एक बॉडी पे लग रहे हैं लेकिन पॉइंट इनके डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, एक आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, एक पीछे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये कंडीशन किसमें होती है? आपने साइकिल देखी होगी, साइकिल में क्या होता है? एक एंडल ऐसे और एक आगे एक पीछे, ठीक है, एक अपवर्ड लगाता है, एक सॉरी एक इनवर्ड इनवर्ड लगाता है और एक आउटवर्ड लगाता है, तो वो चीज क्या बनती है? टोर्क, ठीक है, जब दो फोर्स किसी भी एक बॉडी पे, सेम बॉडी पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे लगे, तो वो फोर्स दो कपल बन जाते हैं, मतलब कपल ऑफ फोर्स वो क्रिएट करते हैं टोर्क, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? एफ पी क्यू एंड एफ आर एस एक्ट एक्ट्स ऑन सेम बॉडी बट डिफरेंट पॉइंट्स,
सो दे मेक कपल ऑफ फोर्स, एक कपल ऑफ फोर्स हेंस टॉर्क, ठीक है, तो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। अब वो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क आपने पढ़ा है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स निकालेंगे, फोर्स इनमें से कोई भी, जैसे आई एल बी दोनों सेम ही है मैग्नीट्यूड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आप ये देखिए, तो ये जो कॉइल थी, एक इनवर्ड लग रहा है और एक ही आउटवर्ड, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, ठीक है, तो इनके बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको एक अच्छी तरह ये बनाता हूं मैं कि ये मान लो क्यू आर, इसमें एक फोर्स लगा रहा है, इसको इनवर्ड को थोड़ा बेटर तरीके से वो ऐसे लग जाएगा, ये एफ पी क्यू, और ये आउटवार्ड जो लग रहा है ये कौन सा है, एफ आर एस, इनके बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये निकालनी है आपको, क्यू एन, ठीक है, ये क्यू एन निकालना है आपको। देखो अब ये कैसे निकालेंगे, थोड़ा इसको और बड़ा बनाता हूं मैं, क्यू आर, इस पे एक फोर्स लग रहा है इनवर्ड, इसको लिख दिया एफ पी क्यू, और ये जो आउटवर्ड लग रहा है इसको लिख दिया एफ आर एस, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्यू, मान लो ये परपेंडिकुलर, इस पे खींचा ये इसको एन, ये क्यू एन निकालना है हमें, क्यू एन। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये बी, ठीक है, तो बी इस डायरेक्शन में है। अब एक एरिया वेक्टर के बारे में मैंने पहले बताया था, एरिया वेक्टर क्या होता है, जो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो ये मान लो ये सरफेस है, ये सरफेस, ठीक है, इस पे ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये होता है एरिया वेक्टर, यानी ए कैप, एरिया वेक्टर। अब ये बी और इसके बीच में, बी ये एरिया वेक्टर ए और ये बी है, ठीक है, इस डायरेक्ट इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, इसको मान लिया मैंने थीटा, ठीक है, इसको मान लिया मैंने थीटा। अब जो बी और इस ये जो लेंथ है इसके बीच में जो एंगल है, इसको मान लिया मैंने अल्फा, ये अल्फा प्लस थीटा क्या है, ये जो सरफेस है ये कितना है, 90 डिग्री, तो थीटा प्लस अल्फा क्या है, 90 डिग्री। अब ये ट्रायंगल लो, अब ये ट्रायंगल ली, ठीक है, क्योंकि ये एंगल वही एंगल ही है, अल्फा ही है, ठीक है, ये क्या है टोटल 90 डिग्री, तो ये कितना बचा, ये वाला थीटा, समझ में आया आपको। ये बी और एरिया वेक्टर, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, बी एंड एरिया वेक्टर, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री, ठीक है, इनके बीच में, तो ये हमने एंगल अल्फा मान लिया कोई भी एंगल, ठीक है, तो ये एंगल थीटा, तो ये टोटल कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना बच जाएगा अल्फा, ये 90, तो ये भी कितना बच जाएगा थीटा, ठीक है, तो ये एंगल बचा हमारा थीटा। तो ये कैसी बन गई, अब ये जो क्यू आर, ये बचा एंगल थीटा क्यू एन, ठीक है, अब ये थीटा क्यू एन क्या निकालेंगे हम, क्यू एन, क्यू एन, क्यू एन क्या हो जाएगी, ये कितनी लेंथ है डब्लू, ठीक है, तो कौन सा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्यू एन क्या हो जाएगा,
क्या हो गया निकालना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा, तो क्यूवन क्या हो गया आई एल बी डब्ल्यू साइन थीटा। ओके, लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगुलर है तो क्या होता है वो एरिया, तो टोर्क क्या हो गया आई एल ए सॉरी आई बी ए, आई बी ए साइन, ये हो गया। अब नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन हो तो क्या फॉर्मूला बन जाता है, टोर्क इजिकल टू एन आई बी ए साइन थीटा, फोर नंबर ऑफ टर्न्स एन टर्न्स। वेक्टर फॉर्म में क्या बन जाता है, ये टोर्क आई बी क्रॉस ए, ठीक है वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है वो छोड़ो वेक्टर फॉर्म, आई बी ए साइन। अब एक और इंपॉर्टेंट, हमने जैसे एक बार लास्ट टॉपिक में किया था एम क्या लिखा था, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, तो वो क्या हो जाएगा टोर्क इजिकल टू एम बी साइन थीटा, या एन नंबर ऑफ टर्न्स, यहां पे एन वन ले लिया मैंने, एम क्रॉस बी, तो ये निकल जाता आपका टोर्क। फर्स्ट दोबारा रिपीट कर देते हैं हम, पहले सबसे पहले फोर्स निकालें, सभी की डायरेक्शन देखिए, ये इनवर्ड और ये आउट अपवर्ड वाले कैंसिल आउट हो जाते हैं क्योंकि तो एक ही पॉइंट एक सेम बॉडी पे लग रहे हैं, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो कैंसिल आउट। ये वाले कपल ऑफ फोर्स बनाएंगे क्योंकि एक इनवर्ड एक आउटवर्ड सेम बॉडी पे लग रहे हैं लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो कपल ऑफ फोर्स बनाएंगे। कपल ऑफ फोर्स क्या होता है टोर्क, तो टोर्क के फोर्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके बाद ये वाली शेप में मैंने ये एंगल थीटा यहाँ पे मैंने किया, ठीक है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली, तो लास्ट रिजल्ट आ जाता है आई बी ए क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो आई बी ए साइन थीटा, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए एन आई बी ए साइन थीटा, और लास्ट में आई बी ए उसको क्या लिख सकते हैं हम एन आई ए को, करंट इनटू एरिया वो क्या हो सकता है मैग्नेटिक मोमेंट, तो लास्ट रिजल्ट है टोर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, टोर्क एम क्रॉस बी। तो ये था टोर्क के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड ही नेक्स्ट हम डिवाइस पढ़ेंगे मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए।